वेलकम फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में आज के इस लेक्चर में हम मैरी वुल्ड स्टोन क्राफ्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज का पार्ट नंबर एलेवन है इससे पहले ऑलरेडी टेन पार्ट अपलोड कर दिए गए जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं हमारी जो एम लेक्चर सीरीज़ है आई होप ये आपको अच्छी लग रही होगी तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दें तो चलिए आज के फर्स्ट एम के साथ मेरीवल स्टोन क्राफ्ट के पोलिटिकल थाट्स उनकी जो कोड्स हैं या फिर उन, उनकी फेमस वर्कस हैं उनको उनके बारे में डिस्कस करते हैं तो चलिए फर्स्ट एम क्या है मेरीवल स्टोन क्राफ्ट बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ थाट वो किन किस स्कूल ऑफ़ थाट से बिलोंग करते थे ऑप्शन ए कम्युनिज्म ऑप्शन बी सोशलिज्म ऑप्शन सी मार्क्सिज्म या ऑप्शन नंबर डी फेमनिज्म द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी वो वेमिन वो एक फेमुनिस्ट थिंकर थे ठीक है दैट्स ही बिलोंग्स टू फेमिनिज्म स्कूल मैरी एज एन एटीन सेंचुरी फेमिनिस्ट राइटर एंड इंटेलेक्चुअल इंटेलैक्चुअल सेंचुरी के एक राइटर ठीक है और फेमिनिस्ट थिंकर थे ठीक है वेन डिड मैरी वुल वन क्राफ्ट वॉज बॉर्न वो कब पैदा हुए थे ऑप्शन ए 1759 ऑप्शन बी 1796 ऑप्शन सी 1823 ऑप्शन डी 1825 द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए 1759 मैरी नाइन मेरीवुल स्टोन क्राफ्ट वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 27 1759 इन लंदन वो लंदन में पैदा हुए थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन है डीप इंपैक्ट ऑन मैरीवुल स्टोन क्राफ्ट किस रेवोल्यूशन ने डीपली इंपैक्ट किया था मेरीवुल स्टोन क्राफ्ट को ठीक है ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑप्शन बी चाइनीज रेवोल्यूशन ऑप्शन सी फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑप्शन डी रशियन रेवोल्यूशन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन है डीपली इंपैक्टेड द मैरी वुल्क स्टोन ट्रॉफ्ट पोलिटिकल थाट ठीक है फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन काइंड वो कहते थे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो एक फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन काइंड का किसकी तरफ इमेंसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस क्योंकि वो इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस की बात करती है उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित है इज रिगार्डेड एज अ चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन को चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक स्टेट्स आइडिया इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर किस थिंकर के द्वारा ब्लैंक स्टेट आइडिया दिया गया है ऑप्शन नंबर ए मैरी वुलस्टोन क्रॉफ्ट ऑप्शन बी हॉब्स ऑप्शन सी लॉक ऑप्शन डी रूजो ब्लैंक स्टेट आइडिया किसके द्वारा दिया गया तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लॉक के द्वारा दिया गया और ब्लैंक स्टेट का मतलब क्या है ब्लैंक स्टेट का मतलब है कि हम जो है जब पैदा हुए हैं हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है जो भी हमने सीखा है हैज बिकेम इज द रिजल्ट ऑफ अवर अपड्रिंगिंग एंड एजुकेशन जो भी हमने सीखा है वो एजुकेशन के द्वारा और जैसे जैसे हमारा अपड्रिंगिंग हुई है इस धीरे धीरे हमने जो है वो जो नॉलेज को गेन किया है तो हम कोई भी जो है बर्थ के साथ अपने साथ नॉलेज नहीं लाता है ठीक है कहने का मतलब ये तो मतलब जब हम पैदा होते हैं हम ब्लैंक होते हैं ब्लैंक स्टेट का कंटेप्ट लॉक के द्वारा दिया गया है चूज़ द कुरेक्ट अबाउट मैरिज व्यूज ऑन रिलीजन मैरिज के क्या व्यूज के थे रिलीजन के ऊपर ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड द स्टेट चर्च और स्टेट uh, को सेपरेट किया जाना चाहिए ऑप्शन बी प्राइमेसी ऑफ रीज़न रीज़न को वो प्राइमेसी देते हैं सुप्रीम मानते हैं ऑप्शन सी रिजेक्शन ऑफ द चर्च अथॉरिटी या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव तो क्या सही है इनमें से तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ये सभी सही है वो चर्च का और स्टेट का सेपरेशन की बात करते हैं और वो रीज़न को सरोपरि रखते हैं ठीक है एजुकेशन की बात करते हैं ट्रेनिंग की बात करते हैं सी रिजेक्शन ऑफ चर्च की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं ठीक तो इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट प्रोड्यूसड बाय मैरी वुल्स क्राफ्ट इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो मैरी क्राफ्ट के साथ नहीं बिलोंग करती है ऑप्शन एंड ऑफ द राइट बी सब्जेक्शन ऑप्शन सी विंडिकेशन ऑफ द राइट या फिर डी ऑप्शन ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर तो राइट right आंसर क्या होगा एक तो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है एक विंडिकेशन ऑफ ऑफ राइट्स वुमेन है दूसरी

थाट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर सेवनटीन सिक्स ठीक है मैरी अफिक्शन नाइनटीन एटी एट ठीक है अविनडिकेशन ऑफ़ द राइट्स ऑफ मैन सेवनटीन नाइनटी अविनडिकेशन ऑफ़ द राइट्स ऑफ वूमेन ये उनके जो मैरी अफिक्शन जो है उसकी उनकी डेथ के बाद जो है इसको पब्लिश किया गया ठीक है इंडिकेशन ऑफ़ द राइट्स ऑफ मैन सेवनटीन नाइन्टी अवंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है 1792 मारिया आर द रोंग्स ऑफ द वुमेन्स 1798 में लिखी गई है मैरी वुल स्टोन क्राफ्ट आरग्यूज वुमेन टू एक्सटेंड देयर इंटरेस्ट टू इनका पास इन पॉलिटिक्स उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए अपने इंटरेस्ट को अपनी रुचि को बढ़ाना चाहिए ऑप्शन बी वांटेड वुमेन टू एस्पायर फॉर फुल सिटीजनशिप वो चाहते थे कि वुमेन्स को फुल सिटीजनशिप माना जाए उनको उनको भी नागरिकता इक्वल बेसिस पे मिलनी चाहिए वुमेन शुड भी वुमेन शुड भी सॉरी वुमेन शुड भी ट्रांसफॉर्म्ड इंटू रैशनल एंड इंडिपेंडेंट बींग उनको भी एक रैशनल बींग या इंडिपेंडेंट बींग की तरफ आग्रसित हो करना चाहिए कैसे थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द बब तो राइट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्योंकि वो चाहते थे कि उनको फुल सिटीजनशिप दी जानी चाहिए उनको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और साथ साथ में उनकी जो एजुकेशन और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए मैरी हैज़ क्रिटिसाइज विच थिंकर फॉर रिगार्डिंग वुमेन एज अ सेक्शुअल बींग कौन सा थिंकर ने जो है जो वुमेन्स को कंसिडर किया है कि वो सेक्शुअल बींग्स हैं इसलिए मैरी मैरिवल क्राफ्ट उसको उनको क्रिटिसाइज करती हैं ऑप्शन ए जे एस बिल ऑप्शन बी रूजो ऑप्शन सी मोकैबली ऑप्शन डी प्लेटो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रूजो जो है कंसिडर करते हैं वुमेन एज अ सेक्शुअल बींग तो इसीलिए उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है मेरीबुल स्टोन क्राफ्ट के द्वारा ठीक है रूजो फॉर रिगार्डिंग वुमेन एज अ सेक्शुअल बींग एंड देयर बाय लिमिटिंग देयर लिबर्टी इस तरीके से वो उनकी लिबर्टी और फ्रीडम को लिमिट करते हैं ठीक है थीके? वुमेन आर नॉट इन्फीरियर अकॉर्डिंग टू वेरीबुल स्टूडेंट है वुमेन इन्फीरियर नहीं है मैन से ठीक है वो फिर इफीरियर इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उनको लैक ऑफ एजुकेशन है ट्रेनिंग उनको प्रॉपर ट्रेनिंग या एजुकेशन या फिर राइट्स नहीं दिए गए इसलिए वो इन्फीरियर दिखाई देती हैं ठीक है विच ऑफ द राइट्स शुड हैव बोथ मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू मैरी मैरी के मुताबिक किस कौन कौन से राइट्स right जो हैं वो मैन और वुमन दोनों को होने चाहिए ऑप्शन ए राइट टू लाइफ ऑप्शन बी राइट टू लिबर्टी ऑप्शन सी राइट टू परस्यूट ऑफ हैपीनेस या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज तो राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर ये सभी अधिकार जो हैं बोथ मैन एंड वुमेन को होने चाहिए ठीक है इन अलेवन ये कभी भी आ, हम इनको अलग नहीं कर सकते ये भी मतलब बेसिक राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ठीक है उनकी एक फेमस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट भी है आई डू नॉट विश वुमेन टू हैव पावर ओवर मैन मैं नहीं चाहती कि एक वुमेन की जो पावर है वो होनी चाहिए मैन के ऊपर लेकिन बट ओवर दैम से उनके खुद के ऊपर तो उनको पावर होनी चाहिए मतलब वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द इन अबाउट मैरीज व्यूज ऑन मैरिज मैरिज के मैरी के क्या व्यू थे मैरिज के ऊपर ऑप्शन ए कंपैशन ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन सी पार्टनरशिप मतलब मैरिज किसके ऊपर बेस होने चाहिए कंपैशन के ऊपर बेस होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पार्टनरशिप के ऊपर या फिर डी कम्पेनियनशिप द राइट आंसर इज ऑप्शन इनकोरेक्ट कौन सा इनमें से तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकोरेक्ट जो मैरिज है वो किसके बेस पर होनी चाहिए कंपैशन पार्टनरशिप एंड कंपेनियनशिप नॉट ऑन अ कंट्रैक्ट ये समझौता नहीं है ठीक है तो रूज़ो जैसे रूजो मानते थे कंसीडर फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड मैरिज एज द सीमेंट ऑफ सोसाइटी इसी तरीके से वो वुल के को विचार थे ऑन द कंपैशन पार्टनरशिप एंड कंपेनियनशिप ठीक है इसके ऊपर